तो हेलो गाइस, वेलकम टू हम भी फूडी चैनल। और आज हम लोग आ गए हैं पांडू नगर, टेस्ट करेंगे वैरायटीज ऑफ पेस्ट्रीज एंड केक्स। और बता देते हैं हम लोग आज आए कहाँ पे हैं। आज हम लोग आए हैं ब्लू लगून, और टेस्ट करके बताएंगे आपको। क्या हम टेस्ट करेंगे वो हम आपको बाद में दिखाएंगे कैसे बनेगा। तो आइए आपको यहाँ की लोकेशन बता देते हैं। यहाँ पे ये कैंडी फ्लॉस प्री स्कूल है पांडू नगर में, और जस्ट अपोजिट उसके पड़ेगा ये ब्लू लगून। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे बनता है और क्या टेस्ट करेंगे आज हम लोग। लेके चलते हैं आपको और दिखाते हैं, लेट्स गो। तो ये हो गया, जा रही है ओवन में 10 से 12 सेकंड बस, इतनी जल्दी। और फिर देखेंगे कैसे बनेगी ये। हम लोग टेस्ट करेंगे ये बॉन फायर संडे, और ये पेस्ट्री निकल ली है ओवन से। और इसमें क्या क्या ऐड करेंगे आप हमें बताते रहिए। ब्राउनी के कुछ पीसेस होते हैं वो ऐड करूँगा, उसके बाद उसके ऊपर चॉकलेट चोको चिप के नट्स होते हैं वो ऐड करूँगा, उसके बाद हमारे पास किटकैट बिट्स और क्रंचेस होते हैं वो हम लोग इसमें ऊपर से ऐड करते हैं, उसके बाद हमारे पास चॉकलेट स्वर्ल बॉल्स होती हैं। देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, टेस्ट करके बताएंगे हम आपको। चॉकलेट स्वर्ल बॉल्स होती हैं, ये बॉल्स हम लोग ऐड करते हैं ऊपर से। उसके बाद देन नेक्स्ट है एक स्कूप इसमें ऊपर गार्निशिंग के लिए वनीला का स्कूप होता है, वनीला स्कूप गार्निशिंग के लिए एक स्कूप वनीला का। वैसे कोई भी ले सकते हैं कि ओनली वनीला? बेसिकली चॉकलेट ब्राउनी या फ्लावा या फिर बॉनफायर संडे खा रहे हो तो वनीला के साथ अच्छा लगेगा। हाँ ओके, बाकी तो आपके ऊपर है कि आप ओके तो मैं डाल दूंगा। और और ये क्या है भैया? ये पाइनएप्पल सॉल्ट्स हैं। पाइनएप्पल सॉल्ट, हाँ जी। आज तो काफ़ी सारी एडिटिंग हो गई है, तो टेस्ट करके भी बताएंगे हम आपको। अब रेडी है हमारी पेस्ट्री, तो मेकिंग प्रोसेस हमने आपको बता दिया कैसे, और आइए अब हम आपको टेस्ट करके भी बता देते हैं। तो लेट्स टेस्ट। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी। तो इसको देख के भाई हम भूल गए हमें बोलना क्या है, टेस्ट इतना बढ़िया है। तो आप भी टेस्ट करिए और एक बाइट और एक बार और हम टेस्ट करेंगे इसे वनीला के साथ भी टेस्ट करेंगे। भाई लाजवाब टेस्ट करिए आप ब्लू लगून आके पांडू नगर में। तो मेरा मन एक बार और टेस्ट करने का है इसको, तो टेस्ट करके बताते हैं आपको, एक बार और टेस्ट करेंगे। केक तो बहुत ही सॉफ्ट था ही, प्लस जो इसमें एडिटिंग करी गई है वनीला चोको चिप्स और किटकैट फ्लेक्स के साथ, वो भी काफ़ी अच्छा आ रहा है इसका टेस्ट। तो एक बार हम इसके साथ भी टेस्ट करके बताते हैं हम आपको। टेस्ट
क्या बताएं, भूल गए भैया। और भी आइटम्स हैं यहाँ पे, और आप हम आपको दिखा देते हैं। ये सिंगल सन्डे भी है, पिंक वर्जन। आप बहुत सारी वैरायटीज हैं यहाँ पे, ओरियो हार्ट, रेनबो हार्ट, और आप यहाँ पे केक भी ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे नमकीन भी है, सारी वैरायटीज हैं, बेकरी आइटम्स सब कुछ है यहाँ पे। तो जल्दी जल्दी आइए, और स्विगी भी कर सकते हैं। तो टेस्ट हमने कर ही लिया है, टेस्ट बहुत ही अच्छा है ये। और क्या आगे हो गई हमारी टेस्टिंग, तो मिलाते हैं हम आपको यहाँ के ओनर से, भैया से। तो हेलो भैया, क्या नाम है आपका? अनमोल। तो क्या आइडिया आया आपको इस शॉप ओपन करने का? भाई यार, एक्चुअली बहुत टाइम से कुकिंग का सीन सिनारियो था मेरे साथ, कुकिंग करते रहता था घर पे। फिर ये हुआ कि यार थोड़ा केक पेस्ट्री यार खुद बनाएं तो बेहतर होगा। पहले स्टाफ लगा हुआ था फैक्ट्री में, स्टाफ बनाता था पेस्ट्रीज केक्स। सो देखते रहे देख देख के खुद सीख गए कैसे केक्स पेस्ट्रीज बनती हैं, कैसे नीचे का ट्रफल बनता है, कैसे आप इस एक केक को आप कैसे बना के किसी के चेहरे पे खुशी ला सकते हो। मेन मोटिव अपना भैया यही होता है। ये नहीं है कि यार केक क्या, क्योंकि हर कानपुर में यार हर आदमी केक बेचता है, हर आदमी पैसा कमाता है। हम लोग का सिनारी वो नहीं है। कुछ आदमी को ऐसा खिलाओ कि आदमी कहे कि यार साला ये चीज़ यहीं मिलेगी और शहर में कहीं नहीं मिलेगी। अपना सिनारी भाई बस वही है, और बढ़िया बढ़िया संडे बनाते रहते हैं, बढ़िया बढ़िया खिलाते रहते हैं। आप कैसे बढ़िया बढ़िया लोग आते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं। तो आज हम लोग टेस्ट करने आए हैं ब्लू लगून। तो बात होगी भैया से, और ये आप बता दीजिए कहाँ पे आपकी ये शॉप? भाई मेरी शॉप पांडव नगर में है। आपको इफ़ आना है तो आप GPS में कैंडी फ्लॉर स्कूल डाल सकते हो, पांडव नगर, उसके जस्ट सामने ही मेरी शॉप है। बाकी JK टेम्पल हम लोग का नियरेस्ट पड़ता है। और टाइम क्या होता है आपका? टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग का थोड़ा सिनारियो अलग अलग होता है। कभी कभी होता है कि रात में टाइम, कभी कभी कस्टमर्स होते हैं तो रात में दुकान दो बजे बढ़ाते हैं, तीन बज जाते रात में, तो टाइम का स्पेसिफिक नहीं आता। वैसे यूजली 12:30-1 बजे तक दुकान खुली जाती है हमारी। तो हम लोग स्विगी जोमेटो तो कर ही सकते हैं ना आप? क्या जोमेटो नहीं, सिर्फ स्विगी, ओनली स्विगी। तो आप स्विगी करिए ब्लू लगून से। आप स्विगी करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा स्विगी पे, प्लस आप 200 के ऊपर की कोई परचेज करोगे तो कानपुर में एक ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क है, उसका हम आपको एक फ्री वाउचर देंगे, दैट इज़ वैलिड फॉर 1st March 2020। एंड एक पास में दोनों की एंट्री हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर इफ आपकी स्टैग या कपल एंट्री 600 रुपये पर पर्सन है, तो आपको वो पास 300 रुपये का पड़ेगा। मतलब एक पास में 300 रुपये में दो लोग आपकी एंट्री हो सकती है, इफ़ आप 200 रुपये का मुझसे कोई परचेज करते हो या उसके ऊपर की। तो टेस्ट भैया से बात हो गई, थैंक यू भैया आपसे बात करके, और टेस्ट बहुत ही अच्छा था। तो टेस्टिंग हो गई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। और डिस्क्रिप्शन में दे दिए हमने इंस्टाग्राम की लिंक, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, हम भी फूडी ऑफिशियल। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। अगले टेस्ट के साथ।